अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं जुबैर बेग रियल एस्टेट एडवाइजर से आपकी खिदमत में हाजिर। आपको आज मैं लेके आया हूँ स्वा गार्डन में, जहाँ पर एक नहायत खूबसूरत कॉर्नर हाउस आपको दिखाना मकसूद है। आप देख सकते हैं ये इस घर का फ्रंट एलिवेशन और ये साइड का एलिवेशन। व्यूअर्स, ये इसका ग्रीन एरिया जो कि बहुत बड़ा एरिया है, जिसमें अभी कुछ छोटे पौधे लगे हैं और इसको जैसे भी आप अपनी मर्जी से चाहें दोबारा सेट कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसको देखें, एक ये रोड इस साइड से आपको ये रोड नज़र आ रहा होगा, ये एक मेन रोड जो है ये है। और व्यूअर्स, ये इसकी गली जो है, इनकी जो इसकी फ्रंट से सड़क लगती है, व्यूअर्स वो आपको उसका मैं व्यू करा रहा हूँ। इसका दरवाज़ा देख के आप यकीनन खुश होंगे, नहायत खूबसूरत दरवाज़ा, ऐश वुड इस्तेमाल की गई है इसमें और कुछ सीएनसी वर्क है। इसका मैं एक पल्ला आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं बिल्डिंग जो है बहुत चौड़ी, जिससे दरवाज़ा काफ़ी हैवी नज़र आता है। और अंदर से इसका व्यू करते हैं, जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं आपको ये लेफ्ट साइड पे तो इंतहाई खूबसूरत निशे नज़र आती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी लुक दे रही हैं। अलग अलग किस्म के इसमें दोनों में वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है। ये जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं दाएं साइड पे सबसे पहले आपको एक ओपन किचन मिलेगा। देख सकते हैं आप इस किचन को, बहुत अच्छी कलर स्कीम, निहायत खूबसूरत, ना बहुत बड़ा और ना ही बहुत छोटा, एक मुनासिब साइज का ये किचन है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इसको, हल्का ग्रे रंग, ग्रे और इसको सिल्वर में बनाया गया है, सिल्वर कलर में। इसकी एजिंग जो है वो सिल्वर कलर की है और दूसरा जो है ग्रे ब्राउन कटस दिया गया। व्यूअर्स, ये इसका वॉशिंग एरिया, व्यूअर्स ये इसका चूल्हा और ये इसका हुड। इधर से भी आप देखें, ये ऊपर भी काफ़ी लकड़ी का काम जो है काफ़ी अच्छा उम्दा। अभी बस चलते हैं, हम इधर चलते हैं तो इस किचन से निकलते हैं तो आपको ये टीवी लॉन्च का एरिया नज़र आता है। बस टीवी लॉन्च की छत जो है निहायत खूबसूरत, सीलिंग काफ़ी ज़्यादा डिजाइनिंग की गई है छत पे। बस इस साइड पे आपको मैं दिखाता हूँ, तुम चलूँ तो ये एक कमरा इस साइड पे है। अभी बस एक कमरा वो आपको नजर आ रहा है और एक कमरा इस साइड पे। बस तीन बेडरूम्स हैं इस नीचे वाले पोर्शन में और एक ड्राइंग रूम। बस ये इसकी सामने आ जाती है मीडिया वॉल। बस इसमें सिक्योरिटी कैमरे भी इंस्टॉल्ड हैं, ये इसकी स्क्रीन आप देख सकते हैं। ये बस इसकी छत को, इसकी मीडिया वॉल को काफ़ी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन कर दिया गया है, जिसमें आपको तीन बड़े ड्रॉज और ये एक बड़ा सा LCD का पैनल जहाँ पे आप अपनी LCD लगा सकते हैं। क्योंकि नहायत खूबसूरत यहाँ पे भी सूरज यासीन की कुछ आयत। इस साइड पे ये ड्राइंग रूम आप देख सकते हैं, इसमें भी काफ़ी खूबसूरत काम किया गया है, आपको मैं करीब से दिखाता हूँ। वैसे देखें नहायत खूबसूरत से कटिंग वगैरह की गई है इसमें, इसमें आप अपनी डेकोरेशन की चीज़ें रख सकते हैं, जो कि आंखों को बहुत भली मालूम होंगी बाद में। व्यूअर्स, पहले हम इस ड्राइंग दोनों साइड ऑफ व्यूअर्स ये दिए गए हैं, आपको दिखा दूँ मैं पहले। इधर भी एक खूबसूरत आयतल कुर्सी से मुजयन ये व्यूअर्स, नहायत खूबसूरत फानूस, ये सामने आपको वेंटिलेशन विंडो, यहाँ भी आपको ये, इसको आप रैक कह लें, कुछ भी कह लें, इसमें आप अपने डेकोरेशन पीसेस रख सकते हैं, कुछ एंटीक चीज़ें रखेंगे तो ये बहुत भली मालूम होंगी। व्यूअर्स, अब हम चलते हैं इसके कमरों की जानिब। इधर से भी इसका व्यू करा दूँ, ये यहाँ से टीवी लॉन्च आपको ऐसा नज़र आएगा। व्यूअर्स, अब हम चलते हैं इसके कमरों की जानिब। व्यूअर्स, इसका फर्स्ट बेडरूम, काफ़ी उम्दा काम, ये इसकी बड़ी सी वेंटिलेशन विंडो, ये इसके कपड़ों की एक बड़ी सी अलमारी। व्यूअर्स, में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ,
इसका वॉशरूम आप देख रहे हैं, इसमें ये सामने जो आप मिरर देख रहे हैं शायद आपको इस पे एप्पल का लोगो मिले। जैसे ही आप इसको टच करेंगे तो इसकी ये लाइट्स ऑन हो जाएंगी, और जैसे ही फिर आप इसको दोबारा टच करेंगे तो इसकी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। व्यूअर्स, ये फर्स्ट बेड था, अब हम चलते हैं इसके सेकंड बेड की जानिब। व्यूअर्स, ये इसका सेकंड बेडरूम, सेकंड बेडरूम है। सामने नहायत खूबसूरत डिजाइन करता है दीवार और नहायत ही उम्दा किस्म की सीलिंग इसमें मौजूद। ये इसका कपड़ों की अलमारी, सीलिंग बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत सीलिंग। ये सीढ़ियां ऊपर छत की जानिब, ये इसका सेकंड बेडरूम। मैं नीचे जिस वॉशरूम की बात कर रहा था वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब ये इसका वॉशरूम भी आप देख सकते हैं, इधर भी इंडियन सीट। इस कमरे में कैबिनेट मुझे नहीं नजर आ रही, इस कमरे में कैबिनेट नहीं है। ये दरवाजा देखिए, यहाँ पे भी एक छोटा सा टेरेस दे दिया गया है, यहाँ पे वॉशिंग एरिया, जो कि ये बहुत यूजफुल और कार आमद, काफ़ी खुला टेरेस। उमूमन ये पीछे सहन पे इतना बड़ा टेरेस नहीं होता। अब हम चलते हैं इसके थर्ड बेड की तरफ और देखते हैं वहाँ पे क्या है। ये इसका थर्ड बेडरूम, आप देख सकते हैं इसका थर्ड बेडरूम। जो कि निहायत खूबसूरत तरीके से इसकी हर चीज डिजाइन की गई है। व्यूअर्स, इसका आप वॉशरूम देख सकते हैं। व्यूअर्स, ये वाला वॉशरूम कंबाइन वॉशरूम है, इस रूम का भी और इस रूम का भी। नीचे भी मैं यही गलती कर रहा था, पहले मैं ये देख चुका था ऊपर का, इसलिए मेरे नीचे से थोड़ा सा मैंने कंफ्यूज था, लेकिन ऊपर है ये व्यूअर्स। इसको आप इसको ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं और इसको कमरे पे, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन पे ये आपकी मर्जी पे डिपेंड है कि आप इसको ड्राइंग रूम बनाना चाहते हैं या एज ए रूम इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें वो जिसे नीचे लकड़ी का काम उम्दा तरीके से किया गया है, यहाँ भी उसी तरह उम्दा तरीके से। सामने वेंटिलेशन विंडो, इस साइड पे हमारी, और ये इसका वॉशरूम। इधर भी आप देख सकते हैं कमोड लगाया गया है, अब यहाँ वॉश बेसिन मिलाकर लगना बाकी है, और ये आपका शावर एरिया। व्यूअर्स, अब रह गया है इसका किचन और टेरेस। अब हम चलते हैं इसे किचन की जानिब। व्यूअर्स, जैसे नीचे किचन था सेम वही किचन, बस थोड़ा सा मेरा ख्याल कलर का डिफरेंस है इसमें, कलर थोड़ा सा चेंज किया गया लाइट्स से, जो के देख सकते हैं अभी इसके नीचे वाली कैबिनेट, इसमें ड्रॉस, ये चूल्हा वगैरह सारा, ये इसकी वेंटिलेशन विंडो, ये इसका सिंक एरिया, चूल्हा। अब हम चलते हैं इसके टेरेस की जानिब और देखते हैं कि टेरेस पे क्या चीज़ है। टेरेस काफ़ी खुला और बड़ा टेरेस ही आप देख सकते हैं, जो कि फुली कवर्ड है, ऊपर छत है, यानी कि इस पर आप यहाँ पर बैठ के अपनी चाय को, चाय समोसे एंजॉय कर सकते हैं। ये सामने इसका गली का व्यू, ये साइड पे गैलरी, बड़ी अच्छी और मजबूत ग्रिल सीएनसी वर्क के साथ। यहाँ पर भी वॉशिंग एरिया दे दिया गया है, और ये इसकी खूबसूरत सी वॉलपेपर से डिजाइन करदा दीवार। अब हम चलते हैं इसकी छत की जानिब और उसको भी विजिट कर लेते हैं। हम जा रहे हैं इसकी छत की जानिब। मुझे यकीन है कि ऊपर सर्वेंट रूम लाजमी होगा, क्योंकि वो
बस यहाँ से मैं व्यू करता हूँ आपको। ये देखिए इधर भी खूबसूरत निशेज दी गई हैं जो कि नहायत खड़ी मालूम हो रही हैं। यूएस के सामने छत का दरवाजा और जीवर जी इधर इस साइड पे इसका सर्वेंट रूम देख सकते हैं, काफी खुला और बड़ा हुआ सर्वेंट रूम जो कि इसमें वॉशरूम भी दिया गया है जो अमूमन होता है इंडियन सीट और सिंपल वॉशरूम। इसका वॉशरूम आप देख सकते हैं। अभी बस छत का भी विजिट कर लेते हैं। ये इसका आपको नजर आ रहा है टैंक, वाटर टैंक जो कि सीमेंटेड है। इस साइड पे आपका व्यू कराता हूँ। धूप बहुत तेज है, मैं इस टाइम नंगे पाँव हूँ, अगर मैं थोड़ा ज्यादा आगे गया तो मेरे पाँव जलने का खतरा। आपको मैं यहीं से खड़े होकर इसका सारा व्यू करा रहा हूँ। ये एक फुली पॉपुलेटेड एरिया है, तकरीबन नहायत सुलझे हुए और पढ़े लिखे लोग इस इलाके में रहते हैं। अगर आप यहाँ घर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। लोग ऐसे हैं, अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं, यहाँ पर कोई दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते। फिर मैंने पहले भी जैसे आपको बताया है कि ये एक्सप्रेसवे से नहायत करीब सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर, PWD से सिर्फ 4 किलोमीटर के फासले पर तकरीबन बस स्कूल मसाजिद हर चीज़ हर सहूलत मौजूद भी बस हर सहूलत तकरीबन यहाँ पे मौजूद है। इसलिए ये एक रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। ये साफ सुथरे माहौल के साथ जी सामने आपको वो नज़र आ रहा है वो मदरसा मस्जिद, मैंने कहा ना आपको बिल्कुल करीब वो सामने आपको मदरसा और मस्जिद। बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और ताकि हमारा और आपका रابطہ कायम रह सके। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।